बस्तर की विरासत में अपने संस्कृति, ऐतिहासिक, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है यह मंदिर। इसका निर्माण चक्रकोट के छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा किया गया था। सेवाजार दोस्तों, मैं योगेन नेताम आप लोगों का स्वागत करता हूं और अभी हम लोग जा रहे हैं नारायण पाल विष्णु मंदिर। ग्यारहवीं शताब्दी का यह प्राचीन विष्णु मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम के निकट स्थापित किया गया है और अष्टकोणी मंडप में स्थित गुंबज ऊपर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मंदिर में ताला लगा हुआ है और भगवान नारायण स्वामी की प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं जो खंडित हो चुकी है। और नारायण स्वामी के नाम के कारण ही इस जगह का नाम नारायण पाल रखा गया है। इस मंदिर में कुरुसपाल का शिलालेख है जो पाली भाषा में लिखी गई है, जो राजा के सम्मान में कहता है कि वह दक्षिण कौशल के 600,000 गांवों का स्वामी था। उसका यश चारों तरफ फैला था। राजा सोमेश्वर देव की माता मोहन देवी ने अपने पुत्र की याद में भगवान विष्णु का यह मंदिर बनवाया, जिसका निर्माण और कार्य कन्हार देव के शासनकाल में 1111 ईस्वी में पूर्ण हुआ। शिलालेख में यही इतिहास दर्ज है।